आज हम बनाने वाले हैं ये शॉपिंग बैग, जो कि हमारी ये होगी, ऐसे तीन पॉकेट होगी इसमें। एक तो ये होगा सबसे ऊपर का, ये पूरा यहाँ तक होगा नीचे। एक रखेंगे हम इसमें ये सामने, दो हो गए ये ऐसे, और एक इसका मेन रखेंगे ये ऐसा, ये जो रहेगा हमारा। ऐसे हमारे तीन कंपार्टमेंट की रहेगा ये शॉपिंग बैग, पीछे से ये ऐसा रहेगा। ऐसे ही न्यू बैग की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे ये वाले दो पीस जिसमें हम हैंडल लगाएंगे। इनका साइज होगा ऐसे में होगा ये 14.5 का, और ऐसे में होगी ये 4 इंची की। फिर हम ये लेंगे पट्टा जिसका साइज होगा हमारा ये 17 इंची का बेल्ट होगा। ये दो बेल्ट लेंगे हम जो दोनों हैंडल बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें इसको सेंटर से थोड़ा दूरी पे ले लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ऐसा ही सिल लेंगे तीन तरफ से सिलाई, देख सकते हैं ऐसा ज्यादा रहेंगे, ज्यादा फोल्ड होएगा इधर। सेम इसको भी यहाँ पे सिल लेंगे इतने दूरी पे। हमारा एक हैंडल तैयार हो गया है ऐसा। अब इसको ये जो हमारी पट्टी है इसको फोल्ड मार लेंगे आप यहाँ से, और यहाँ एक सिलाई मार देंगे ये ताकि ये चिपक जाए, ऐसा ऐसा हो जाएगा ये। अब इसमें यहाँ एक सिलाई मार लेंगे, ये हमारा हैंडल तैयार हो गया। ये हमारा हैंडल तैयार हो गया है एक, ऐसा ही दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये हमने दोनों तैयार कर लिए है, अब इसके नीचे का तैयार करेंगे। फिर हम ले लेंगे ये एक पट्टी, ये हमारी शो के लिए रहेंगी ऊपर से। इसका साइज होगा ऐसे में होगी 12.5 इंची की, और ऐसे में होगी 2.5 इंची की। इस पे तीनों तरफ ये निवार लगा लीजिए, बेल्ट जो होती है हमारी ये ऐसी फोल्ड करके हाफ हाफ, आधी इधर रहेंगे आधी इधर, ऐसे ये तीनों तरफ मार लेंगे इसमें। हमारी हो गई है शो वाली पट्टी, ऊपर भी तैयार, ये ऐसी रहेंगी, ये ऊपर रहेगी। हम एक ये पट्टी ले लेंगे, इसका साइज होगा ऐसे में होगा ये 14 इंची की, और ऐसे में होगी ये 7 इंची की। इसमें हम एक ये पाइपिंग लगा लेंगे व्हाइट कलर की, यहाँ से ऐसे लेंगे इसमें हाफ हाफ, और यहाँ पूरा लगा देंगे, एक सिलाई से मार देगी। ये ऐसी लग जाएंगी, ये हमारी लग गई है। इसके ऊपर हम एक चैन लगा लेंगे जो कि हमारी लाल कलर की होगी, इसको रखेंगे यहाँ चैन को, और इसको यहाँ एक सिलाई मार देंगे। ये चैन के ऊपर के लिए एक पट्टी बनाएंगे जो कि हमारी होगी ये होगी हमारी पट्टी। इसका साइज होगा 4 इंची होगी ऐसी में, और ऐसे में होगी 14.5 इंची की।
पहले इसमें हम ये निवार मार लेंगे, ये जो हमारी पाइपिंग है ऐसी मार लेंगे सीधी सीधी। ये इसको यहाँ पे हम इस चैन पे लगा लीजिए, इस चैन पे ऐसी यहाँ पे इसको इधर रखेंगे रखेंगे ऐसी, और यहाँ सिल दूंगे। ये हमारा हो गया है नीचे का तैयार, ये एक पॉकेट हो गया है। अब ये यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और एक ये सीधी सीधी सिलाई मार लेंगे इसको फोल्ड करके यहाँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे भी एक सिलाई होगी ऊपर, ये देख सकते ज्यादा। अब इसके लिए हम इसके ऊपर एक पट्टी के लिए लेंगे, जो ये हमारी ये होगी एक पट्टी, ये इसका साइज होगा ऐसे में होगी ये 14.5 की होगी और ऐसे में होगी 2.5 इंच की। इसमें भी एक पाइपिंग मार लेंगे पहले सेम वैसी जैसे ये दोनों में मारे हैं। ये लग गई हमारी इसमें पाइपिंग। अब इसमें हम ये लगाएंगे जो हमने ये पट्टी बनाए थे, इसको इसमें लगाएंगे। ये पट्टी को हम सेंटर में ले लेंगे ऐसे, इसमें एक इसको एक सिलाई मार देंगे इसके ऊपर यहाँ से। हमारी ऐसी तैयार हो जाएगी जैसा, और इसको यहाँ रख लेंगे, यहाँ एक सिलाई करना पड़ेगा इसमें, ये ऐसी होगी हमारी, ये तैयार हो जाएगा ऐसा। जैसा होगा हमारा, लेकिन पहले इसमें हम ऊपर हैंडल सिल लेते हैं इसमें, बाद में इसको ज्वाइन मारेंगे। ये हैंडल ले लेंगे जो हमने पहले बनाए थे, फिर इसको ये इसके ऊपर हैंडल को ऐसे रख लेंगे, पहले ये पट्टी रखेंगे जो हमने बनाए थे, फिर ये हैंडल इसके ऊपर रखेंगे सीधा, और ये एक 17 इंची की चैन होगी हमारी, इसको यहाँ उल्टी रखेंगे ऐसी यहाँ पे, और यहाँ से एक सीधी सिलाई मार लेंगे। ये हमारी ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी हो जाएगी तैयार यहाँ से, और ये अंदर एक चैन ऐसी बन जाएंगी, चैन रहेंगी इस साइड, दूसरा बैक साइड का पल्ला आएगा ये सामने से ऐसे रहेगा। इसके नीचे अभी ये जो हमने बनाए हैं इसको जोड़ लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा जो यहाँ गैप है यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई मार के इसको जोड़ लेंगे। सेम इधर का भी ऐसे जोड़ लेंगे। अब इसके पीछे अस्तर लगा लेंगे जिससे हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगा, दो पॉकेट रहेंगे हमारे। पहले चैन वाले पॉकेट के लिए अस्तर लगाएंगे यहाँ से, इसको ऐसे नीचे रख के
जिसका साइज होगा अस्तर का 8.5 होगा या 14.5 का होगा, इसको यहाँ रखेंगे। और ये जो हमारी ये है, ये ऊपर की पट्टी, इसमें से एक सिलाई चला देंगे यहाँ रख के, इसमें यहाँ रख के चला देंगे। और एक ये ऊपर लगा देंगे, जो ये हमारे ये पॉकेट के लिए होगा, बड़े पॉकेट के लिए, जिसका साइज होगा 14.5 ऐसे भी होगा और ऐसे में भी 14.5 का ही होगा। इसको यहाँ पूरा रख देंगे, यहाँ सिल देंगे, ये ऐसे यहाँ एक सिलाई मार देंगे इसमें। तैयार हो गया है। ये इसके नीचे ये एक पॉकेट रहेगा याला, और एक ये हो जाएगा ये, इसमें एक रनर डाल ले यहाँ से। ये रनर हो गया हमारा, ऐसे ही आप एक बैक कलर तैयार कर लेंगे। ये हमारा हो गया सामने का पूरा तैयार, सामने से। अब ये इसमें से एक ये चैन निकाल लेंगे, ये जो हमारी चैन है, और ये इसको बैक साइड में लगाएंगे। पहले ये हैंडल है, ये हैंडल है जो पहले बनाए थे, और ये इसका एक पल्ला रहेगा जो बैक साइड पर रहेगा। इसका साइज होगा 14.5 का, इसको यहाँ रख लेंगे ऐसे, और इसमें भी एक चैन लगा के सिलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया बैक साइड का भी तैयार, का। अब ये हमारे जो दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं ऐसे, ये चौरस चौरस है। अब इसमें थोड़ा यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे इसको, यहाँ तक यहाँ से ऐसी, और नीचे भी राउंड करेंगे थोड़ा, इसमें थोड़ा शेप देने के लिए इसको ऐसे ये दोनों तरफ करेंगे, ऊपर भी करेंगे दोनों और ये नीचे भी कर लेंगे, जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये मैं कर लेता हूँ, ये यहाँ से ये 1 इंच छाट के ये क्रॉस हो गया यहाँ से, और इधर से भी ऐसे राउंड कर लूंगा इसको। सेम ऐसे इधर भी कर लेंगे इसको, ऐसे फोल्ड मार के हाफ आएगा। और ये जैसा जैसा नीचे वैसा यहाँ से भी क्रॉस कर लेगी। ये ऊपर का हो गया, ऐसे ही है नीचे से भी राउंड कर लेगी। ये हमारा हो गया राउंड, ये नीचे से राउंड हो गया, ज्यादा नहीं किया होगा ने, और ऊपर से भी ये क्रॉस हो गया दोनों साइड का। ऐसे ही सेम पीछे का भी कर लेंगे, इसी को यहाँ रख के कर लेंगे पूरा राउंड। फिर हम ये बॉर्डर ले लेंगे, जिसकी लंबाई होगी 43 इंची की होगी लंबाई, और 5 इंची चौड़ाई होगी इसकी। इसको यहाँ रख के सिलाई कर लेंगे,
यहाँ से चारों तरफ इसमें साइड हो गया हमारा आईसी, ये इस साइड भी लगा लेंगे हम, दूसरे साइड बैक कर ला, ये जो हमारा है उसको ये बॉर्डर पर रखेंगे और यहाँ से सिलाई करना चालू कर देंगे इस पे, दूसरी तरफ हमारा हो गया तैयार। ये सामने से होगी ऐसे, ये पीछे से ऐसे चारों तरफ से होगी, ये बैक साइड से। ये हमारी ऐसी बन चुकी है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको काट लेंगे थोड़ा सा, यहाँ से चैन की, यहाँ से जो हमने सिले है चैन लगी थी इतना काट लेंगे, और इसको भी निकाल लेंगे, चैन आ जाएंगे हमारी बाहर, इसमें एक रनर डाल लेंगे। ये ऊपर से चैन हो गई, ये सामने की रहेगी, ये पॉकेट इसका, एक ये रहेगा पॉकेट यहाँ का, जो पूरा बड़ा रहेगा यहाँ अच्छा अंदर तक, और ये तीसरा पॉकेट रहेगा जो ऊपर का रहेगा। यहाँ एक सिलाई मार लेंगे, ये जो हमारी कपड़ा निकला होगा इसे भी यहाँ से सिल देंगे। ये तीन हो गया हमारे ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके सुझाव से वीडियो को और बेहतर बनाएंगे।